राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों में बागी प्रत्याशी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। नामांकन के दिन अपना पर्चा दाखिल कर दोनों संगठनों से बागी हुए प्रत्याशियों ने मैदान में ताल ठोक दी। छात्र नेताओं की इस बगावत से संगठनों में चिंता है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि रूठों को मना लिया जाएगा। छात्र संघ अध्यक्ष पद पर अपने ही बागियों से लगातार 2 साल से शिकस्त मिलने के बाद ABVP से दावेदार रहे प्रत्याशियों में बगावती तेवर कुछ कम नहीं हुए। इस बार अध्यक्ष पद की दौड़ में दावेदार रहे अमित बड़बड़वाल, नितिन सारस्वत, विजेंद्र महावा, आदित्य प्रताप और संध्या सुथार ने निर्दलीय प्रत्याशियों के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों ने सीधे तौर पर अपना टिकट काटे जाने पर ना सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि चुनाव में अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर अब दो दो हाथ करने का ऐलान भी कर दिया है। इन निर्दलीय प्रत्याशियों ने छात्र संगठन पर गरीब और आम छात्र नेताओं को दरकिनार करने के आरोप लगाए, साथ ही संगठन के प्रत्याशियों को हराकर अपनी जीत को लेकर दावे भी किए। तो टिकट काटने से बाद उनको आज तक समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने मेरा टिकट काट कैसे दिया। उनकी धड़कनें इस चीज़ को लेकर बड़ी हुई है कि हमने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं कर दिया। उस चीज़ का परिणाम उनको 11 तारीख को सामने आएगा। उसी के साथ साथ टिकट काटने का कारण ये है, इन लोगों को मेहनत और कार्यकर्ता से कोई मतलब नहीं है। जो ये विचारधारा की बात करते हैं उनको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक पैरासूट कैंडिडेट आता है, हर साल की तरह चुनाव लड़कर चला जाता है। का जवाब हम तोड़ उनको देंगे और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और इस बार फिर से बागी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनेगा। संगठन पर किस तरह का आरोप लगा? संगठन पर मैं किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इन लोगों ने जिस सोच के साथ मेरा टिकट काटा है उस सोच के अनुसार ये चुनाव। बगावत तो NSUI में भी कम नहीं है। ABVP की तरह NSUI में भी बागी प्रत्याशियों ने खुले तौर पर अपने संगठन को चुनौती दे दी। यहां अध्यक्ष पद की दौड़ में रहे प्रत्याशी अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बागी हुए 4 उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद पर नामांकन भी दाखिल कर दिया है। साथ ही संगठन के पुराने और अनुभवी छात्र नेताओं को साथ लेकर बागी प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी में है। नामांकन के फौरन बाद ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार में जुट जाने के दावे किए हैं, लेकिन इससे पहले अपने संगठन पर टिकटों की खरीद फरोख्त करने और मध्यम वर्ग के आम विद्यार्थी को टिकट नहीं देने जैसे आरोप भी लगाए हैं। लेकिन मैं संगठन का सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैंने संगठन के हर साल त्याग किया है, हर साल संगठन साथ रहा हूँ। इस बार संगठन ने मेरे को टिकट नहीं दिया गया, पैसों की दलाली करके जो 1 महीने पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उसको टिकट दिया गया है और वो पूरे डिपार्टमेंट तक ही जानता है कि डिपार्टमेंट कौन सा काम पे है कहाँ पे नहीं है और माइग्रेशन मार्कशीट एडम्बलो का एक रास्ता नहीं जानता कि एडम्बलो में कौन सा काम कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। तो साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक युवा मेरे साथ है और मैं चुनाव लड़ूंगा अध्यक्ष का और राजस्थान हमेशा ही बहुत बुरी तरीके से रहेगी और मैं इनको करारा जवाब दूंगा। ऐसे ही मेरे टिकट के 50 लाख रुपये मांगे थे, मैं एक आम छात्र हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मैं 50 लाख रुपये नहीं दे पाया इसलिए मैं टिकट काट लेगी और राजस्थान विश्वविद्यालय में एक छात्र राजनीति करने वाला स्टूडेंट 50 लाख रुपये कहाँ से देगा। टिकट नहीं मिला इसलिए कि राजस्थान के NSUI ने कल मीडिया के द्वारा लगभग ऐसा कर दिया था कि दुष्यंत राजसिंह का टिकट तय है, लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कहना चाहूंगा राजस्थान के NSUI ने अपना टिकट 65 लाख रुपए में बेच दिया है। इसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, इनकी सेंट्रल कमेटी हो, इनका हर एक आदमी पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। जब ये टिकट डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद ये बहाना देते हैं कि सामान्य वर्ग को हम ऊपर टिकट नहीं दे सकते, हमारे ऊपर प्रेशर है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के NSUI पूरे राजस्थान का स्टूडेंट जानता है कि दुष्यंत राज सिंह चुंडावत एक कॉलेज का अध्यक्ष रह चुका है। दुष्यंत, मैं 2 साल से राजस्थान के NSUI से टिकट की, 3 साल से NSUI से टिकट की अपील कर रहा हूँ, 2012 से NSUI का कार्यकर्ता हूँ, उसके बावजूद इन्होंने मुझे टिकट काट दी केवल एक बात कहकर कि हमने और जिस कैंडिडेट को इन्होंने टिकट लड़ाई है आपको आश्चर्य होगा ये चीज जान के, वो कैंडिडेट का एडमिशन हुए 1.5 महीना हुआ है। वहीं दोनों ही संगठनों के पदाधिकारी अपने बागी हुए प्रत्याशियों से कोई नुकसान नहीं मानते हैं, साथ ही बागियों के फिर से संगठन से जुड़ने को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। NSUI और ABVP की कमान संभाल रहे पदाधिकारियों का दावा है कि सुबह के भूले शाम को घर लौट आएंगे। ABVP प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवाड़ी का कहना है कि पिछले 2 साल की भूल को फिर से नहीं दोहराया जाएगा और इस बार संगठन एक होकर चुनाव लड़ेगा। वहीं NSUI प्रदेशाध्यक्ष की माने तो वो बागी प्रत्याशियों को मना लेने का राग अलाप रहे हैं। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है वो है कि जो कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता को हम लोग टिकट देते हैं। दूसरा, मैंने पहले भी कहा था, जो हमारी टीम होती है टीम फीडबैक के आधार पर अपना निर्णय करती है, तो उस फीडबैक के आधार पर जो भी था वो दिया है। तो ये कोई जातिगत इसको नहीं लेकर
इसको हमें ये लेना चाहिए जो अच्छे स्टूडेंट लीडर हैं, जो नेतृत्व अच्छा कर सकते हैं, उसको देख के विद्यार्थी परिषद में लीजिए। आप एक चीज देखिए, पूरे में कोई अगर बागी रहा हो ये रहा हो, उसने अपना बड़ा मन करके वो विद्यार्थी परिषद के साथ में है। अगर मैं बात करूं उनकी पहल की, वो जो यहाँ दो वर्ष पूरे यहाँ छात्र संघ अध्यक्ष थे, अगर मैं बात करूं पिछली बार के पवन यादव जी, वो भी इस बार साथ में, तो भाई अखिलेश पारिख भी साथ में है, तो संजय माचेड़ी भी साथ में, तो आप इससे ये स्पष्ट है कि कोई भी बागी नहीं होने वाला है, उस पर प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, पूरा संगठन एकजुट होकर, हमारी जो ताकत है वो पूरी ताकत एकजुट होकर इस बार छात्र संघ का चुनाव लड़ रही है, और इस बार इस कैंपस के अंदर भगवा लहराकर सभी लोग अपनी ताकत से। जब कोई चुनाव लड़ता है एक व्यक्ति, टिकट के दावेदार हमारे बहुत से थे और बहुत से मजबूत, सभी मजबूत दावेदार थे, लेकिन टिकट हमेशा एक व्यक्ति को मिलता है। हम सभी दावेदारों को, सभी को मनाएंगे, और एक बड़ा परिवार है, पूरा परिवार इस बार NSUI मिलकर चुनाव लड़ेगा। एक दो दिन में हम सभी को एक साथ एक मंच पर लेकर आएंगे। एक और दोनों संगठन जीत हार के समीकरण में उलझे हैं। वहीं इधर अपनी जीत के दावे कर रहे बागी प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में ताल ठोक कर संगठनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब संगठन इन बागी प्रत्याशियों की मान मनोबल में पूरी तरह जुटे हैं। आने वाले समय में मैदान में कौन टिका रहेगा या फिर संगठन में अपनी वापसी करेगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 27 अगस्त को नाम वापसी के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। राहुल भारद्वाज, न्यूज़ फॉर एजुकेशन, जयपुर।